नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध अपराध नहीं, उन्हें भी सम्मान से जीने का हक। SC ST एक्ट के खिलाफ बंद का देशव्यापी विरोध, सवर्णों के बंद का मध्य प्रदेश और बिहार में ज्यादा असर, ट्रेनें रोकी, पथराव हुआ। भीमा कोरेगांव मामले में सुनवाई टली, आगामी बुधवार को फिर होगी सुनवाई। अदालत ने पुणे पुलिस पर की कड़ी टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका की तीनों सेनाएं 2019 में भारत में करेंगी संयुक्त अभ्यास। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों के बीच हॉटलाइन शुरू होगी। बंगाली फिल्म अभिनेत्री पायल चक्रवर्ती की रहस्यमय मौत, सिलीगुड़ी के होटल में मिला शव, खुदकुशी का संदेह। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, भारतीय रुपया लुढ़ककर 72 रुपए प्रति डॉलर के पार हुआ। माझेरहाट पुल हादसे में मृतक संख्या 3 हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के लिए गठित की SIT। विंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा बोले, ओलंपिक में शामिल हो क्रिकेट। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रखता है विश्वास। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।